If we talk about the listening, there are a number of things that comes under the listening section. First of all, there are tips. Always listen carefully to the introduction that is given to you by the examiner or by the speakers that you are listening. After that, write your answers as you listen. Never wait that you listen everything and after that you will write down the answers. So write your answers simultaneously as you are listening. Always check what you have written and always proofread your answers after you have 10 minutes after the listening. You have 10 minutes to transfer your answers and after that time you can use. Pay attention to any examples. If any kind of an example is given to you, you are supposed to take it very attentively because it will be helpful for you to understand the whole of the situation that is yet to come. Always keep your answer within the word limit. That means अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछ दो वर्ड्स कहा गया है आपको रिक्वायरमेंट तो तीन मत लिखिए चार मत लिखिए जितनी रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है सिर्फ उतना ही आंसर आप देंगे. ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एज इन आईएलटीएस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सो इट इज एडवाइजेबल टू राइट डाउन योर आंसर्स एज पर द क्वेश्चंस. कोई भी आंसर छोड़िए मत. ऑलवेज चेक योर स्पेलिंग्स दैट मीन्स जितने भी आप आंसर्स लिखें दोबारा से 10 मिनट बहुत होते हैं आंसर्स को प्रूफ रीड करने के लिए. आप अच्छे से उनके स्पेलिंग्स उनकी स्पेलिंग्स उनकी ग्रामर को जो है वो चेक करें. दीज आर द बैंड स्कोर्स. अगर आपके 39 to 40 हैं आपके 9 बैंड्स होंगे. 37 to 38 है 8.5. 35 और 36 आपके सही हैं तो आपके 8 बैंड्स होंगे. दिस इज हाउ योर बैंड स्कोर गोज विद. आफ्टर दैट हम बात करेंगे पार्ट्स की. आपका जो लिसनिंग है दैट इज इन 4 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. दो लोग जो हैं वो बात करते हुए सुनाई देंगे आपको. एंड दिस टाइप ऑफ अ कन्वर्सेशन इज वेरी जनरल इन नेचर. दैट मीन्स बहुत ही डेली कन्वर्सेशन होंगी. फॉर एग्जाम्पल कोई रिसेप्शनिस्ट है जो वो किसी कस्टमर से उनके हॉस्टल की रिजर्वेशन के बारे में होटल की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रही होगी. या आपके जो आप कह सकते हैं कि सेल्समैन है वो क्लाइंट से बात कर रहा है. ऐसी जो सिचुएशंस हैं दैट विल कम अंडर द पार्ट फर्स्ट. सेकेंड पार्ट विल बी अ मोनोलॉग. दैट मीन्स जब भी आप सेकेंड पार्ट को सुनेंगे एक ही पर्सन बोलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू हियर टू साउंड्स बट ओनली वन पर्सन इन द सेकेंड पार्ट. दिस इज वेरी एकेडमिक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ओवर देयर. थर्ड पार्ट जो है दैट इज अ कन्वर्सेशन. 3 से 4 लोग इवन 5 लोगों की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं. बाय डूइंग सो यू विल कम टू नो कि ये किसी लेक्चर के बारे में किसी असाइनमेंट के बारे में किसी सिलेबस के बारे में ऐसी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं. नाउ उसके बाद जो अगली चीज़ हम करते हैं वो होती है फोर्थ पार्ट जो सबसे ट्रिकी माना जाता है या सबसे इजी सॉरी सबसे डिफिकल्ट माना जाता है. क्या हम ये कहें कि सबसे स्पीडी माना जाता है. ये माना जाता है कि जब भी आप फोर्थ पार्ट की बात करें या जब भी आपके सामने फोर्थ पार्ट आता है तो ज़्यादा तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो घबरा जाते हैं. द बेसिक रीजन ऑफ डूइंग दिस इज समहाउ इट इज क्वाइट ट्रिकी समहाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकिन इट्स अ मोनोलॉग दैट इज रिलेटेड टू टू टॉपिक्स. दोनों एकेडमिक के टॉपिक्स होते हैं. या तो ये रिसर्च के बारे में या ये किसी साइंस टॉपिक के बारे में या ये किसी थीसिस के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करता है जो फोर्थ पार्ट है आपकी लिसनिंग का. इफ यू टॉक अबाउट 6 टाइप्स दैट आर वेरी कॉमन इन लिसनिंग दीज आर लेबलिंग क्वेश्चंस. एक डायग्राम दी होगी आपको और यू आर गोइंग टू लेबल दैट डायग्राम. हाफ ऑफ द लेबलिंग इज ऑलरेडी डन एंड यू हैव टू कंप्लीट द लेबलिंग. समरी कंप्लीशन में 2 या 3 वर्ड्स जो है वो इनकम्प्लीट होंगे. आप लिसनिंग को सुन के उन चीज़ों को भर देंगे फिल इन द ब्लैंक्स में और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. सेंटेंस कंप्लीशन में जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी होती है. समरी कंप्लीशन में 4 से 5 वर्ड्स हो सकते हैं. सेंटेंस कंप्लीशन में 2 से 3 वर्ड्स होते हैं. इन मैचिंग क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सी टू डिफरेंट कॉलम्स एंड यू हैव टू मैच द इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कॉलम विद द सेकेंड बाय लिसनिंग.
Multiple choice questions are also known as MCQs, and you are going to follow four or two or three options, and you have to find out the most suitable one as your answer. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो उनके आप आंसर देते हैं खुद ब खुद. ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली दो या तीन वर्ड्स के होते हैं, और ये जो दो या तीन वर्ड्स हैं ये डायरेक्टली आप जो है वो लिसनिंग में से चुनते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द रियल लिसनिंग, दैट मीन्स हम लिसनिंग करने वाले हैं. ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट एंड यू आर गोइंग टू हियर द लिसनिंग. Please mute yourselves, everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू प्ले द साउंड ताकि आप सुन पाए उस साउंड को. आफ्टर दैट वी विल प्ले द रियल लिसनिंग. ओके, मेक श्योर यू हैव योर पेन एंड नोट पैड्स विद यू. ओके, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड वॉट एक्चुअली इज द लिसनिंग ऑल अबाउट. गिव मी जस्ट वन सेकेंड. Okay, everyone. Right. CD 2. Test 3. Is it audible, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now mute yourselves. If you find any kind of a difficulty in between और आपको कोई भी आवाज सही से नहीं सुन रही है, without speaking anything आप अपने आप को leave कर लेंगे, meeting से बाहर आ जाएंगे और दोबारा से rejoin करेंगे. Okay? I will admit you again. और लेकिन बीच में आप नहीं बोलेंगे. If you find any kind of a difficulty, you are supposed to write a message in the chat box, but not supposed to speak up, as it will disturb the whole class. अपने videos भी आप बंद रखेंगे. Okay? Okay. All the best, everyone. We are going to start the listening now. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear an estate agent talking to a customer who wants to rent a house. First, you have some time to look at questions 1 to 8. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning. How can I help you? Hello. I'm interested in renting a house somewhere in the town. Right. Could I have your name, please? Yes, it's Stephen Godfrey. Mm-hmm. And tell me how many bedrooms you're looking for. Well, we'd need four because I'm going to share the house with three friends. The number of bedrooms needed is four, so four has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 8.
Good morning. How can I help you? Hello. I'm interested in renting a house somewhere in the town. Right. Could I have your name, please? Yes, it's Stephen Godfrey. Mm-hmm. And tell me how many bedrooms you're looking for. Well, we'd need four because I'm going to share the house with three friends. Okay. There are several of that size on our books. They mostly belong to families who are working abroad at the moment. What about the location? It'd be nice to be central. Oh, that might be difficult, as most houses of that size are in the suburbs. Still, there are a few. What's your upper limit for the rent? We'd like something around £500 a month, but we could go up to £600 if we have to. But we can't go beyond that. Mm-hmm. Do you know how long you want to rent the house for? The minimum let is 6 months, as you probably realise. We're at college here for 2 years, and we don't want to have to move during that time if we can avoid it. Right. And how soon do you want to move in? All our lets start on the first of the month. Well, as soon as possible, really. So that means September 1st. Okay. Let me have a look at what we've got. We have photographs of all the houses on our book, so you can get an idea of what they're like. There's this one in Oakington Avenue at £550 a month, combined living room and dining room with a separate kitchen. It doesn't have a garage, though you can park in the road. We'd prefer to have one if possible. Right. Then have a look at this house in Mead Street. Mm-hmm. It's got a very large living room and kitchen, bathroom, cloakroom. How much is it? That one's £580. It's very well furnished and equipped. It also has plenty of space for parking, and it's available for a minimum of a year. Oh, and there's a big garden. I don't think we could cope with that, to be honest. We'll be too busy to look after it. Okay. Then there's this older house in Hamilton Road. Living room, kitchen, diner, and it has a study. £550 a month. That looks rather nice. But whereabouts in Hamilton Road? Towards the western end. Oh, that'll be very noisy. I know the area. Yes, it's pretty lively. But some people like it, though. Well, what about this house in Devon Close? That looks lovely. There's a big demand for houses in that area, so prices tend to be quite high. But this one hasn't been decorated for a few years, which has kept the rent down a bit. It's got a living room, dining room and small kitchen, and it's £595 a month. I think it would suit you from what you've said. It sounds fine. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 9 and 10. Now listen and answer questions 9 and 10. Why is that part of town so popular? Well, there's a big scheme to improve the district, and it'll soon have the best facilities for miles around. What sort of thing? There's a big sports centre under construction, which will be very impressive when it's finished. In fact, the swimming pool's already opened, ahead of schedule, and it's attracting a lot of people. What about cinemas? Are there any in the area? The only one closed down last year, and it's now in the process of being converted into a film museum. The local people are trying to get a new cinema added to the scheme. I think I heard something about a plan to replace the existing concert hall with a larger one. Ah, that's due to start next year. Well, it sounds an interesting area to live in. Could I go and see the house, please? Yes, of course. That is the end of section one. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section two. Section two. You will hear a man talking on the radio about a national arts centre.
First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Hello, and welcome to Focus on the Arts. I'm your host, Dave Green, and this is your very own local radio programme. Every Friday evening, we put the spotlight on different arts and culture facilities and look at the shows and events that are on offer in the coming week. And today, the focus is on the National Arts Centre. Now, if you don't already know it yourself, I'm sure you've all heard of it. It's famous throughout the world as one of the major venues for classical music. But did you know that it's actually much more than just a place to hear concerts? The centre itself is a huge complex that caters for a great range of arts. Under a single roof, it houses concert rooms, theatres, cinemas, art galleries, and a wonderful public library, as well as service facilities including three restaurants and a bookshop. So, at any one time, the choice of entertainment there is simply enormous. So, how did they manage to build such a big arts complex right in the heart of the city? Well, the area was completely destroyed by bombs during the war in 1940. So the opportunity was taken to create a cultural centre that would be what they called the city's gift to the nation. Of course, it took a while for such a big project to get started, but it was planned in the 60s, built in the 70s, and eventually opened to the public in 1983. Ever since then, it has proved to be a great success. It's not privately owned, like many art centres, but is still in public hands. It's run by the City Council. Both our National Symphony Orchestra and National Theatre Company were involved in the planning of the project, and they're now based there, giving regular performances every week. And as the centre is open 363 days of the year, there are plenty of performances to choose from. Before you hear the rest of the broadcast, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. So, to give you some idea of what's on, and to help you choose from the many possibilities, we've made a selection of the star attractions. If you're interested in classical music, then we recommend you go along to the National on either Monday or Tuesday evening at 7:30 for a spectacular production of The Magic Flute, probably the most popular of all Mozart's operas. It's in the Garden Hall, and tickets start at only £8, but you'll have to be early if you want to get them that cheap. And remember, it's only on for those two evenings. For those more interested in the cinema, you might like to see the new Canadian film, which is showing on Wednesday evening at 8 p.m. in Cinema 2, and that's called Three Lives. It's had fantastic reviews, and tickets cost just £4.50, which is a reduction on the usual price of £5.50. So, it's really good value, especially for such a great movie. But you can see the centre's main attraction at the weekend, because on Saturday and Sunday, 11 a.m. to 10 p.m, they're showing a wonderful new exhibition that hasn't been seen anywhere else in Europe yet. It's a collection of Chinese art called Faces of China. That's in Gallery 1, and it has some really fascinating paintings and sculptures by leading artists from all over China. And the good news is that it's completely free, so don't miss it. So why not go along to the National Arts Centre next week for one or all of these great events? And you can always pick up a programme and check out all the other performances and exhibitions on offer, or coming soon, on almost every day of the year. Next week, we'll be looking at the new Museum of Science. That is the end of Section 2. You now have half a minute to check your answers.
Now turn to section 3. Section 3. You will hear a university tutor and a new student called Paul discussing Paul's work experience and Latin American Studies course. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. I've been reading your personal statement, Paul. First, let's talk about your work experience in South America. What took you there? Was it to gain more fluency in Spanish? Well, as I'm combining Spanish with Latin American studies, my main idea was to find out more about the way people lived there. My spoken Spanish was already pretty good, in fact. So you weren't too worried about language barriers? No. In fact, I ended up teaching English there, although that wasn't my original choice of work. I see. How did you find out about all this? I found an agency that runs all kinds of voluntary projects in South America. What kind of work? Well, there were several possibilities. You mean construction, engineering work? Yes. Getting involved in building projects was an option. Then there was tourism, taking tourists for walks around the volcanoes, which I actually chose to do, and then there was work with local farmers. But you didn't continue with that project. Why not? Because I never really knew whether I'd be needed or not. I'd thought it might be difficult physically, but I was certainly fit enough. Now, I wanted to do something that had more of a proper structure to it, I suppose. I get demotivated otherwise. What do you think you learned from your experience? It must have been a great opportunity to examine community life. Yes, but it was difficult at first to be accepted by the locals. It was a very remote village, and some of them were reluctant to speak to me, although they were always interested in my clothes and how much I had to pay for them. Well, that's understandable. Yes, but things soon improved. What struck me was that when people became more comfortable with me and less suspicious, we really connected with each other in a meaningful way. You made good friends? Yes, with two of the families in particular. Good. What about management? Did you have a project manager? Yes, and he gave me lots of advice and guidance. And was he good at managing too? That wasn't his strong point. I think he was often more interested in the academic side of things than filing reports. He was a bit of a dreamer. And did you have a contract? I had to stay for a minimum of 3 months. My parents were surprised when I asked to stay longer, 6 months in the end. I was so happy there. And did anything on the administration side of things surprise you? What was the food and lodging like? Simple, but there was plenty to eat, and I only paid $7 a day for that, which was amazing, really. And they gave me all the equipment I needed, even a laptop. You didn't expect that then? No. Well, I'll look forward to hearing more. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. But now let's look at these modules. You'll need to start thinking about which ones you'll definitely want to study. The first one here is gender studies in Latin America. It looks at how gender analysis is reconfiguring civil society in Latin America. Women are increasingly occupying positions in government and in other elected leadership positions in Latin America. I think you'd find it interesting.
If it was to do with people in the villages rather than those in the public sphere, I would. Okay. What about second language acquisition? Do you think I'd find that useful? Well, you've had some practical experience in the field. I think it would be. I hadn't thought about that. I'll put that down as a definite then. Okay. What about Indigenous women's lives? That sounds appropriate. I thought so too, but I looked at last year's exam questions and that changed my mind. Don't judge the value of the course on that. Maybe talk to some other students first and we can talk about it again later. Okay. Yes, and lastly, will you sign up for Portuguese lessons? My Spanish is good, so would I find that module easy? Not necessarily. Some people find that Spanish interferes with learning Portuguese, getting the accent right too. It's quite different in a lot of ways. Well, I'd much sooner do something else then. All right. Now, what we need to do is make a... That is the end of Section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to Section 4. Section 4. You will hear a lecture about success in business systems. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. In the last few lectures, I've been dealing with business finance, but now I'm going to move on to business systems. And in today's lecture, I'm going to talk about what can go wrong when businesses try to copy their own best practices. Once a business has successfully introduced a new process, managing a branch bank, say, or selling a new product, the parent organization naturally wants to repeat that success and capture it, if possible, on a bigger scale. The goal then is to utilize existing knowledge and not to generate new knowledge. It's a less glamorous activity than pure innovation, but it actually happens more often, as a matter of fact. However, surprisingly, getting things right the second time is not necessarily any simpler than it was the first time. Now, there's been a lot of research into how companies can repeat their previous successes, and it certainly hasn't been confined to the United States. It seems that most large industries are trying to repeat their own successes and manage the knowledge they've acquired. But even so, it has been shown that the overwhelming majority of attempts fail. A host of studies confirm this, covering a wide range of business settings: branch banks, retail stores, real estate agencies, factories, call centers, to name but a few. So why do so few managers get things right the second or third time? Let's consider one reason for failure: placing too much trust in the people who are running the successful operation, the experts, shall we say.
Managers who want to apply existing knowledge typically start off by going to an expert, such as the person who designed and is running a successful department store, and picking their brains. Now, this approach can be used if you want to gain a rough understanding of a particular system, or understand smaller, isolated problems. The trouble is, even the expert doesn't fully grasp the whole thing, because when it comes to complex systems, the individual components of the process are interwoven with one another. The expert never has complete access to the necessary information. And the situation's complicated even further by the fact that experts are usually not aware of their own ignorance. The ignorance can take various forms. For instance, a lot of details of the system are invisible to managers. Some may be difficult to describe, learned on the job, and well known by workers, perhaps, but impossible to describe in a way that's helpful. And there are some things that people know or do that they're not even aware of. Now, let's consider two types of mistake that can occur when a manager actually starts to set up a duplicate system to replicate a successful process. Firstly, perhaps he forgets that he was just trying to copy another process and starts trying to improve on it. Another mistake is trying to use the best parts of various different systems in the hope of creating the perfect combination. Unfortunately, attempts like these usually turn out to be misguided and lead to problems. Why? Well, for various reasons. Perhaps there weren't really any advantages after all, because the information wasn't accurate. Or perhaps the business settings weren't really comparable. More typically, the advantages are real enough, but there are also disadvantages that have been overlooked. For example, the modifications might compromise safety in some way. So, what's the solution? Well, I don't intend to suggest that it's easy to get things right the second time. It's not. But the underlying problem has more to do with attitudes than the actual difficulty of the task. And there are ways of getting it right. These involve adjusting attitudes, first of all. Being more realistic and cautious, really. Secondly, they involve exerting strict controls on the organizational and operational systems. And this, in turn, means copying the original as closely as possible. Not merely duplicating the physical characteristics of the factory, but also duplicating the skills that the original employees had. Reliance on a template like this offers the huge advantage of built-in consistency. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Now I'm going to show the answers to you, everyone. Please match your answers. You have 5 minutes to do so. In 5 minutes, match your answers, please.
Yes, everyone. Am I audible to you properly now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Any kind of a question or query regarding listening from your side? Ma'am, main problem in MCQ or match the sentence. Mm-hmm. Okay. Same here, ma'am. Okay. MCQs and matching. Okay. Yes, ma'am. Any other thing? MCQ, ma'am, only. Haha, wo maine MCQ mein bahut problem hai. MCQs mein, okay. So what? Okay. Now what we will do? आपको जो अगला लिसनिंग का सेशन मिलेगा उसमें हम लोग जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द एमसीक्यूज फर्स्ट. उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, कैसे हम एमसीक्यूज निकालते हैं, इलिमिनेशन मेथड्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ठीक है, मे बी कल को ही हो. ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे. और कोई ऐसी चीज़ जो आप लिसनिंग में आपको तंग करती है, आपको समझ में नहीं आती एमसीक्यूज और मैचिंग के बगैर? या तो आप क्लासिकल म्यूजिक लिखिए या क्लासिकल कॉन्सर्ट्स या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, देन दैट इज करेक्ट. ओके जी, और कुछ? और कोई क्वेश्चन टाइप्स? चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइटिंग. मेक श्योर यू हैव योर पेन एंड नोट पैड रेडी. पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट प्लीज. गिव मी जस्ट वन सेकंड, आई एम गोइंग टू शो द राइटिंग टास्क टू यू प्लीज. Sorry. Now I'm going to explain these again. First of all, in my opinion, is the word that you use only when your opinion is being asked. Firstly, initially, first of all, the first place to begin with, to start with, all of these are used
in the first body paragraph to initiate the first body paragraph. For the second body paragraph, you can use the word secondly, second and all. Second reason being, furthermore, after, next, these are the words that you use on the body paragraph second. If you are explaining the advantages as well as disadvantages, that means do opposite cheezein jo hain, agar aap ek hi essay mein dene wale hain, to second body paragraph shuru karne se pehle hum use karte hain ye wale words. On the contrary, next is on the flip side, next is on the other hand, apart from this, these are the words that we use it when you are describing the opposite point of view. The words like consequently, however, moreover, in continuation, in addition to, likewise, ye words hum tab use karte hain when we are explaining something more of the same point. Now, ye jo words hain, ye hum use karte hain to conclude. That means conclusion ke liye hum ye words use karte hain. In conclusion, to encapsulate, ye hum tab use karte hain I wale, 1, 2 and 3, I wale tino. हम तब यूज करते हैं जब आपका ओपिनियन खुद का मांगा गया हो, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है उसमें. नाउ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं ज्यादा तौर पे और हम नहीं करेंगे, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ऑलवेज राइट विद इन योर वर्ड लिमिट, दैट मीन्स 250 वर्ड्स मिनिमम एंड 270 मैक्सिमम. यूज द अंडरस्टैंडेबल हैंड राइटिंग एंड अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ऑलवेज प्लान your essay or task one, both. Never start anything without a plan, that means without any introduction. Next is never repeat your ideas, never repeat the same word again and again, and there should be a clarity of thought when you are explaining anything. And conclusion is very important in your essay, so always write down conclusion while you are gisting up your essay. Now, this is the higher band score essay structure. That means agar aap 8 bands, 8.5 bands, 9 bands chahte hain apne writing mein, to follow this as it is. Theek hai? Agar aapka kaam jo hai wo 6 bands, 6.5, 7, 7.5 se kam chal jata hai, to you can have a leniency in using examples and all. First of all, introduction ki agar hum baat kare, to सबसे पहले द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन शुड बी द बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जिसमें आप एक आप कह सकते हैं अपनी तरफ से क्रिएटिव लाइन जो है वो लिखते हैं, एक या दो पहली लाइंस अपने ऐसे की, दैट विल गिव एन फर्स्ट इंप्रेशन टू द एग्जामिनर दैट यू कैन हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड टू इलेबोरेट द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स. सेकेंडली, we are talking about rephrasing of the question. That means hum question ko dobara likhenge, but the meaning should be the same, but the different the word should be different. In thesis statement, aap last mein thesis statement denge, jisme aap explain karenge ki aap kehne kya wale hain in your body paragraphs. Agar hum body paragraphs ki baat karte hain, to introduce your point first, then you are going to give detail of that point, and in the last example. सेम चीज बॉडी पैराग्राफ सेकेंड में चलेगी. सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे पॉइंट को, देन एक्सप्लेन करेंगे, देन एग्जाम्पल देंगे. इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर थर्ड बॉडी पैराग्राफ इन द क्वेश्चन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली यू आर गोइंग टू प्रोवाइड बॉडी पैराग्राफ थर्ड. अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड इट. ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर टास्क इन टू बॉडी पैराग्राफ्स. इन द लास्ट देयर इज अ कंक्लूजन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टूडे. देखिए क्या कहा है आपको. इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन द कंट्री साइड दैन इन अ बिग सिटी. ये बच्चों के लिए अच्छा है कि अगर उनको जो है वो कंट्री साइड में, शहर के बाहर वाले हिस्से में या गांव में या जहां पर आबादी कम हो, ऐसी जगह पर जो है वो बच्चे की परवरिश हो एज कंपेरेटिव टू बिग सिटीज. दैट मीन्स कि बिग सिटीज की जगह पे बच्चे को ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाए जहां पर नेचर ज्यादा हो, जहाँ पर लोग जो है वो कम हो, या आप कह सकते हैं कि फ्रेश एनवायरनमेंट हो. डू यू अग्री और डिसअग्री? क्या आप अग्री करते हैं या आप डिसअग्री करते हैं? ठीक है,
यूज स्पेसिफिक रीजंस एंड एग्जांपल्स टू डेवलप योर एसे. आपको जो है स्पेसिफिक रीजंस देने हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है. दैट मीन्स आप इनमें से एक चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आप पार्शली अग्री हैं तो आप दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे. इट्स अप टू यू आप कौन सी चीज जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन बोथ द साइड्स. अगर आप अग्री करते हैं दैट मीन्स आपको ये लगता है कि यस जो कंट्री साइड हैं वो बेटर हैं अगर हम बच्चे को एक अच्छी लाइफ जो है वो देने वाले हैं, तो आप अग्री हैं. अगर आपको ये लगता है कि नहीं बिग सिटीज ज्यादा बेटर हैं बच्चों के लिए, तो आप डिसअग्री होंगे, ठीक है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टे विद द फर्स्ट पॉइंट कि आप अग्री करते हैं, आपको ये लगता है कि बेटर लाइफ जो है वो बच्चे को देने के लिए अच्छा है कि बच्चे की जो परवरिश है, ग्रो अप मतलब परवरिश है, जो वो कंट्री साइड में करनी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट, दिस इज एन ओपन डिस्कशन, लेकिन आप अपने हैंड्स रेज करेंगे माइक ऑन करने से पहले, वन बाय वन जिसके जिसने भी कोई पॉइंट बताना है आप हैंड रेज करेंगे, उसके बाद आपकी टर्न आएगी तो आप बोलेंगे. बीच में आप अपना खुद की तरफ से माइक ऑन नहीं करेंगे प्लीज. ओके, यस राजवीर बोले. मैम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अगर सिटीज में, बिग सिटीज में रहेंगे तो उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बच्चों को. हम पहले कंट्री साइड की बात करेंगे, अग्रीमेंट okay. करने वाले हैं हम. द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इज ऑफ अग्रीमेंट. तो हम सबसे पहले अग्रीमेंट जो है वो इस बात का करेंगे कि कंट्री साइड ज्यादा बेटर है, ठीक है. अभी आप ये जो पॉइंट है वो उसमें दीजिए, ठीक है. यस अरुण, कंट्री साइड में कोई पॉइंट है आपके पास? यस मैम, कंट्री साइड में यही है कि अगर कंट्री में किसी विलेजेस में रहते हैं तो वहाँ पे जैसे शहरों में ज्यादा पोल्यूशन वगैरह है, तो विलेजेस में बहुत कम है ये चीज, है ना. तो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बेटर वहाँ का एनवायरनमेंट है विलेजेस का. ओके, आप कहेंगे कि लेस पोल्यूशन है, इट इज फेवरेबल फॉर द चिल्ड्रन, यही? ओके, यस मैम. ओके, हाँ जी. सेकंड पॉइंट योगेश धवन, सेकंड पॉइंट बोलिए. योगेश धवन, आर यू देयर? यू रेज योर हैंड. ओके, हरमन. मैम लव विद नेचर. कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको? मैम जिद्दां जे कंट्री साइड रहेंगे तां उत्थे प्लांट्स वगैरह ज्यादा होणगे, ओ वर्ड्स दे नाल उदां मतलब मैम इंटरैक्शन वधिया बन जूगी. बट जदों सिटीज दे विच रहिंदे आ उत्थे इन्ना कुछ उहनां नूं देखण नूं नहीं मिलदा हैगा, जिहदे नाल ओ दूर हो जांदे आ नेचर तों. ओके, आप उसमें कहेंगे इंटरैक्शन विद नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है. बर्ड्स के साथ भी, एनवायरनमेंट के साथ भी, ठीक है, आप कह सकते हैं. उसके बाद आप पॉइंट दे सकते हैं कि सीनरी, नेचुरल सीनरीज जो है वो ज्यादा अच्छी होती हैं. सो वी ऑलवेज प्रिफर कि जो बच्चे हैं वो कंट्री साइड में रहे, है ना. ओके, हाँ जी. नाउ थर्ड पॉइंट, यस अरुण सर. I'm less health issues. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम वहाँ पे ना नॉइसी एरिया होगा, ना कंजस्टेड, मतलब कि ना ट्रैफिक ज्यादा होंगे मैम, तो मैम इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उनकी हेल्थ पे. ओके, ठीक है. सिमरजीत. मैम बेटर कंपेनियनशिप विद नेबर्स एंड फ्रेंड्स रादर देन बिग सिटीज. ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम जैसे शहरों में सब अलोन रहते हैं, हैप्टिक शेड्यूल होता है, बट कंट्रीसाइड एरिया में ऐसा नहीं होता, कंपेनियनशिप बेटर होती है. ओके, यस जशन. जशन आर यू देयर? ट्रूथ they will be more connected to their culture and traditions and energy because they must be influenced of western culture on them. ओके, इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लेस फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर,
लेस इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर में तो अच्छी चीजें भी आती हैं कि नहीं आती हैं? दे आर कनेक्टेड विद द रूट यस वेस्टर्न कल्चर डू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट एट द सेम टाइम बट द थिंग इज दे विल बी मोर कनेक्टेड टू द रूट लाइक दे विल नो अबाउट देयर पास्ट देयर फोर फादर्स एंड फादर्स देयर व्हाट वाज देयर वर्क and moreover, the traditions and customs, which will be missing in the big city. Okay. Are we? You want to say something? Hello? Yes? Yes, are we? It was the same, like for... Yes, they can learn the yes cooperation, the cooperative. For example, in the cities, people hardly have time for spending with their neighborhood. Okay. So they have less social interactions. So that comes under better companionship. That comes yes, under. Yes, it both. Was. Yes, it was the same like that. Okay. Yes, Prabhjit Singh. Prabhjit Singh, you want to say something? You raise your hand. Okay, Arun sir. And they can spend a lot of time with their parents instead of the country people, because in the countries most of the parents are working. Okay, family time, family quality time जो है वो बच्चे को दे पाते हैं हम अगर हम छोटी cities में रहते हैं या हम rural areas में रहते हैं. Okay. Yes, Diljit sir. Diljit Thakur. I'm actually enjoying outdoor games rather than indulging in mobile phones and all. Okay, good. Physical activities jo hain wo zyada hoti hain. You can write it like this. Physical activities jo hain wo zyada hoti hain as comparative to the urban areas. Theek hai. Yes, Simarjeet. Simarjeet. Simarjeet, you raise your hand. You want to say something? मैम नो पहले करा था. फिर आप लोअर कीजिए अपने हैंड को नीचे कीजिए जहां पर आपने हैंड ऊपर किया. जैसे ही आप अपनी बात को कह दें तो प्लीज लोअर योर हैंड क्योंकि नहीं तो वो मुझे वैसे ही सिंबल दिखेगा एंड आई विल रिकॉल यू अगेन एंड अगेन. ठीक है. ओके नेहा. हेल्दी लाइफस्टाइल लाइक दे कैन हैव फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फूड. ओके You can say non-adulterated. Eatables, जो कि बहुत ही important हैं किसी भी child के लिए. Adulterated होता है जिसमें pesticides ज्यादा ना हो या जिसमें दवाइयां मिली हो ज्यादा या किसी भी तरीके की मिलावट is known as adulterated. ठीक है. जो countryside है उसमें ये कुछ पॉजिटिव साइंस है कि वहां पर चीजें जो है वो नेचुरल मिलती हैं, वो अडल्ट्रेटेड कम होने के चांसेस हैं. ओके हरमन. हरमन यू वांट टू से समथिंग? आई सेड एजुकेशन. एजुकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम ग्रोइंग अप इन अ बिग सिटी बिकॉज़ चिल्ड्रन गेट अ बेटर चांस टू मतलब अपन सिटी विच होवांगे ता ज्यादा स्कूल्स हुंदे कॉलेजेस हुंदे ने. हरमन हम कौन सा वाला कर रहे हैं? हम अभी रूरल एरियाज वाला कर रहे हैं. जब हम दूसरी साइड पे आएंगे तब हम वो वाला डिस्कस करेंगे. मैम हम कंट्री साइड और बिग सिटी वाला ही कर रहे हैं ना हम दो. हरमन आप कहां पे हैं? हम जो है वो दो लिस्ट्स बनाएंगे. सबसे पहले हम एक में एडवांटेजेस देंगे है ना, एक में डिसएडवांटेज. ओके जी जी. अभी हम एडवांटेजेस दे रहे हैं विलेजेस में रहने की. दूसरी लिस्ट जब हम बनाएंगे ना बिग सिटीज वाली तब आप ये वाला पॉइंट. ओके ठीक है. मेरे को लगा कि ठीक है ठीक है. ओके ओके यस यस. रिम्पी यू वांट टू से समथिंग? मैम चिल्ड्रन टच विद देयर ट्रेडिशन एंड कल्चर. That comes under traditional approach, the fifth one. Any other thing you want to say? Okay. Arun sir? And they would get a chance to live in a joint family because most of the people like to live in a joint family in the rural areas.
फैमिली क्वालिटी टाइम में इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं. दैट विल कम अंडर सिक्स्थ वन. ओके मैम. हरमन, योगेश सर. यस मैम, दे कैन लर्न बेसिक स्किल्स लाइक मोस्ट ऑफ द जो कंट्री साइड एरिया है वो रिलेटेड होते हैं एग्रीकल्चर के, सो दे कैन लर्न बेसिक स्किल्स लाइक जो भी उनके रिलेटेड होते हैं घर के काम, घरेलू काम. आप इसमें एग्रीकल्चर की एग्जांपल दे सकते हैं. राइट मैम, थैंक यू. ओके, नाउ वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स द सेकंड अप्रोच. दैट मींस हम सेकंड जो है वो बात करने वाले हैं अर्बन सिटीज की. ठीक है, पहले हमने बात की कि जो रूरल एरियाज है वहां पर रहने के क्या फायदे हैं, है ना. अभी लोअर योर हैंड्स प्लीज. हम दूसरी जो है शिफ्ट करने वाले हैं फोकस की अर्बन एरियाज में क्यों रहना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं. इस पॉइंट के लिए आप अपने हैंड्स रेज कीजिए. यस जशन. मैम, दे विल गेट एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर. ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगी आप. मैम, सिंस दे विल लिव इन बिग सिटीज एंड दे विल बी लिविंग इन अ सोसाइटी एंड देयर मस्ट बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, from different cities and from different religions, and there must be their different cultures, different values and different language. I think they will interact with them, and moreover it would be better to understand different cultures, and they will just got to know about everything, about every religion, every custom, I think. Okay, good. Yes, next Rimpi. Rimpi, you raised your hand. You have any point to explain? Okay. Simarjeet? From better education system with a different kind of activities. Okay. Quality education system. Right. Aur kya kaha aapne? Now, Harman. Ma'am, job opportunities for their future. Bilkul sahi. Diljit sir. Diljit sir, you Ma'am, want to say school. Something? Hope in sports. Okay. कैसे कहेंगे आप इसको, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इस चीज को. Well, like in small cities there is less scope in sports as they are not introduced to much higher sports like basketball and other things, but in big cities these are the basic sports. हम लिखेंगे स्पोर्ट्स असिस्टेंस, गाइडेंस एंड फैसिलिटीज. तीनों जो चीजें हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो वहां पर इजीली अवेलेबल होती हैं. ओके, हरमन. नेहा. एडवांस नॉलेज इन टेक्नोलॉजी. कैसे एक्सप्लेन करेंगे. बिग सिटी में मैम जल्दी से कुछ भी अगर टेक्नोलॉजी आती है, टेक्निक आती है तो इजीली ग्रैब हो सकती है रादर देन स्मॉल सिटी. ओके, ठीक है. और कोई पॉइंट, एनीवन, एनी अदर पॉइंट. म्यूट योरसेल्फ जब आप बोल चुके हैं तो उसके बाद आप म्यूट कीजिए अपने आप को. बेटर लाइफस्टाइल. कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप बेटर लाइफस्टाइल को अरुण सर. एंड क्योंकि वो अवेयर रहेंगे न्यू फैशन के व्हिच आर गोइंग ऑन द मार्केट. ओके, और कुछ, और कोई पॉइंट, एनीवन एल्स. योगेश सर, थैंक यू. हरमन, सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज. लिव इंडिपेंडेंटली. मैम कैसे, वो तो विलेजेस में भी रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली. तो लाइक जिद्दा
अर्बन एरियाज दे विच जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हुंदियां वा तां जिहड़े चिल्ड्रन हुंदे आ लाइक ओह आपदा काम करके आपदी मनी अर्न कर सकते आ आपदी बेसिक नीड्स नूं कंप्लीट करन दे लई बट मैम रूरल एरियाज दे विच तां जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं हुंदियां ओके यस इंडिपेंडेंट अप्रोच बोलते हैं उस चीज को ओके मैम जी और कुछ यस केवल सर बेटर फैसिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सेंटर यस हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं एक बहुत बड़ा कारण है हेल्थ फैसिलिटी लोगों का शहरों में रहना कि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं एज कंपेरेटिव टू रूरल एरियाज ठीक है योगेश सर Easy to shopping, like we can buy and sell everything online and offline nearby. Entertainment facilities होती हैं. अभी entertainment facilities में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, like theaters हो गए, restaurants right. हो गए, right? आपके gaming pools हो गए, राइट कोई फिजिकल एक्टिविटीज ये सारी चीजें entertainment facilities में आ जाती हैं. Malls हो गए ठीक है yes, ऐसी चीजें आप एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का पॉइंट दे सकते हैं एनीवन एल्स मनप्रीत सिक्योर फ्यूचर मैम सिक्योर फ्यूचर यस जस्ट अ सेकंड बेटा अरुण सर सिक्योर फ्यूचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम सिक्योर फ्यूचर में ये आएगा कि अगर वो मतलब कि गुड एजुकेशन लेते हैं तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर होगी तो डेफिनेटली कि उनकी जॉब सिक्योर होगी और एंड बेटर लाइफस्टाइल होगा तो मतलब कि सिक्योर रहेगी उनकी लाइफ सिक्योर लाइफ तो किसी की भी नहीं है चाहे वो विलेजेस में है चाहे वो छोटे शहरों में है जैसे चंडीगढ़ पटियाला सिक्योर फ्यूचर सिक्योर अबाउट सिक्योर फ्यूचर हाँ सिक्योर फ्यूचर किसी का भी नहीं है आज जो है वो डाउनफॉल आ जाए तो इकट्ठी हजार हजार वेकेंसीज कर देते हैं वो निकाल देते हैं लगे लगाए लोगों को है ना उस चीज को हम कॉन्ट्राडिक्टरी है वो नहीं लिखेंगे हम यस मनप्रीत बेसिक अमेनिटीज का पॉइंट लेके आप उसमें हेल्थ इश्यूज भी लिख सकते हैं एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं एजुकेशन भी लिख सकते हैं ये कर लीजिए तीनों चीजों को इकट्ठा कर लीजिए उसका नाम दे दीजिए बेसिक अमेनिटीज ठीक है हाँ जी और कोई पॉइंट किसी के दिमाग में आ रहा है यस केवल सर More contact with other religions people. Sorry, I was not able to hear that. Repeat kijiye please. More contact with other religions people. कैसे explain करेंगे आप इसको? वो city में सब लोग दूसरे देश के भी लोग रहते हैं और rural area में वो लोग नहीं रहते. Okay, आप उसको कहेंगे cultural exposure. ठीक है? आप कहेंगे वाइड कल्चरल एक्सपोजर जैसे हमने कहा था कि रूरल एरियाज में जो है वो अपने देश के जो लोग हैं ट्रेडिशंस के साथ जुड़े रहते हैं आप वहां पर कहेंगे कि जो शहरों में वाइड कल्चरल एक्सपोजर होता है ठीक है लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के साथ रिलेटेड होते हैं डिफरेंट ट्रेडिशंस के साथ रिलेटेड होते हैं और जब वो हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं देन वी विल कम टू नो कि कौन से कल्चर की कौन सी एडवांसमेंट्स हैं ओके लिख दिया मैंने और कुछ और कोई पॉइंट यस योगेश्वर मैम लाइक अपॉर्चुनिटीज इनके लिए ज्यादा होती हैं बिग सिटीज रादर देन कंट्रीसाइड बिकॉज़ लाइक वी आर मतलब जो स्कूल्स वगैरह हैं कॉलेजेस हैं हाईली क्वालिफाइड कॉलेजेस हैं हम यहां से पढ़ते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं रादर देन कंट्रीसाइड थर्ड पॉइंट पढ़िए ओके जॉब अपॉर्चुनिटी तो वो हम पॉजिटिव पॉइंट देने वाले हैं दिस इज द नेगेटिव पॉइंट केवल सर हम पॉजिटिव पॉइंट देने वाले हैं कि क्या क्या पॉजिटिव होता है शहरों में चलिए नाउ वी आर फोकस
we focus ourselves towards the real solution. ठीक है, हम जो है वो real solution पे जाने वाले हैं. अभी हम देखने वाले हैं कि actually ऐसा क्या है जो हमें और अच्छा solution देगा. देखिए, just a second, मुझे clear कर लेने दीजिए सब कुछ. देखिए क्या कहा है उन्होंने. Raising a child in a small village or in a cosmopolitan environment has different challenges and outcomes. एक बच्चे को बड़ा करना, चाहे वो एक छोटे विलेज में हो या एक बहुत बड़े कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट में. कॉस्मोपॉलिटन होता है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें बहुत सारे कल्चर्स इकट्ठे रहते हैं. ठीक है, दैट मींस अर्बन एरियाज. दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों के अपने रिजल्ट्स हैं. सम पीपल बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू ग्रो अप इन द कंट्री साइड दैन इन द बिग सिटी. ये रिफ्रेजिंग हो गई. कुछ लोगों को ये लगता है कि अदर अगर मल्टीकल्चरल सॉरी बच्चों को अगर छोटे शहरों में जो है वो रखा जाए, दैट मीन्स कंट्री साइड में रखा जाए, तो वो बेटर होता है एज कंपेरेटिव टू द सिटीज. हाउएवर अदर्स बिलीव दैट मल्टीकल्चरल सिटीज गिव ओमनीफेरियस अपॉर्चुनिटीज टू रेज अ चाइल्ड इन अ बेटर वे. कईयों को ये लगता है कि मल्टीकल्चरल सिटीज जो है, दैट मीन्स बहुत सारी कल्चर्स जब इकट्ठे रहते हैं इन द सिटीज, वो ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं किसी भी बच्चे के लिए. Both the perspectives are elaborated, that means हम partially agree होने वाले हैं in the subsequent paragraphs. First BP देखिए, first of all, it is very important for a child to grow up in a healthy environment. Healthy environment बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बच्चे की अच्छी growth के लिए. Children need fresh air, बच्चों को fresh air चाहिए, not polluted by a huge amount of cars and factories of the modern city. ताकि वो जो हवा है जो उनके अंदर जाएगी, वो जो हवा है वो कार से या फैक्ट्री से जो है वो मॉडर्न सिटी की खराब ना हुई हो. इन द कंट्री साइड विसिनिटीज, दैट मींस रेजिडेंशियल एरियाज, दे कैन स्पेंड मोर टाइम एक्सरसाइजिंग एंड वॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स. उनके पास बहुत सारा टाइम है कि वो एक्सरसाइज करें या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमे नेचर में. A research shows that in cities, students spend most of their free time in watching TV owing to lack of landscapes and natural beauty around. एक research के according, cities में बच्चे जो है वो अपना free time या तो TV या mobile देखने में लगाते हैं. वो natural चीजों को, natural beauty को देखने का उनके पास time ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इनकी भी अपनी एक enjoyment है. Next is another point. Important aspect of living in small towns is that parents will have more time to spend with their children. Parents के पास ज़्यादा time होता है ऐसे areas में अपने बच्चों के साथ व्यतीत करने के लिए. As a result of eliminating traffic jams and decreasing driving time as a whole, क्योंकि उनको commute करके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो नहीं जाना पड़ता, उनको जो है वो easily अपने time जो है वो निकाल पाते हैं अपने बच्चों के लिए, इसलिए they will have a quality time over there. नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं, दैट इज सेकेंड बीपी अदर साइड, दैट मींस अभी शहरों में रहने के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं. चिल्ड्रन हैव सम एडवांटेजेस लिविंग इन द बिग सिटीज, कुछ एडवांटेजेस भी हैं. दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू चूज फ्रॉम व्हाट दे वांट टू डू, उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो क्या चूज करने वाले हैं. फॉर द लॉन्ग रन इट इज गुड फॉर देम, इन द लॉन्ग रन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना प्रोफेशन चूज करते हैं या अपनी हॉबीज चूज करते हैं. दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर अ रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए वो तैयार हो जाते हैं. एंड दे विल हैव मोर चांसेस टू मेक अ गुड करियर एंड सक्सीड, ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एक अच्छा करियर बना लेंगे और सक्सीड हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल दे कैन चूज टू अटेंड बैलेट स्कूल, बैलेट डांसिंग सीख सकते हैं या और कोई डांसिंग सीख सकते हैं, आर्ट सीख सकते हैं, जिमनास्टिक सीख सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे कुछ भी सीख सकते हैं. मोर ओवर अ बिग सिटी यूजुअली हैज मोर एंटरटेनिंग सेंटर्स, हम एंटरटेनमेंट की बात कर चुके थे. एंटरटेनमेंट सेंटर्स जो है वहां पर होते हैं, थिएटर्स होते हैं, प्ले स्टेशन, बहुत कुछ है जो बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए आजकल अवेलेबल है. एडिशनली द अर्बन लाइफ प्रोवाइड्स बेटर लाइफ कंडीशंस, बेटर लाइफ कंडीशंस हैं, सर्विसेज हैं जैसे कि मेंटल मेडिकल
dental, schooling, entertainment, or professional opportunities, which the residents of rural areas lack undoubtedly. जो कि rural areas के जो लोग हैं undoubtedly उनसे left behind हो जाते हैं. For example, if a person lives in a countryside, he or she has to drive for a couple of hours to the nearer medical center if any medical assistance is required. वो इंसान जो countryside में रहता है उसको बहुत घंटे का सफर करके जो है अपने नजदीक के किसी शहर के मेडिकल सेंटर में, दैट मींस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा अगर उसको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है. अगर वही इंसान किसी अच्छे शहर में है तो इट विल बी इजियर फॉर दैट पर्सन टू गो देयर एंड हैव देयर मेडिकल असिस्टेंस. टू इनकैप्सुलेट, दैट मींस अगर हम कंक्लूड करें इस चीज को, इन कंक्लूजन, दोज हु वांट टू रेज देयर चिल्ड्रन इन अ सिटी कैन रीप न्यूमरस एडवांटेज्ड एज स्टेट्स अबव टू ग्रूम अ चाइल्ड इन अ बेटर वे. अगर आप अपने बच्चों को एक शहर में ग्रूम्ड लाइफ देना चाहते हैं तो इसके भी अपने एक फायदे हैं. हाउएवर इट्स पर्सनल चॉइस ऑफ पेरेंट्स, ये पेरेंट्स की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो बच्चों को कैसी अपब्रिंगिंग जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो प्रोवाइड कर सकें अपने बच्चे को एक बेटर फ्यूचर. दिस वॉज योर टास्क. Any questions regarding task 2? Any questions from your sides? Ma'am? Yes, Manpreet. Ma'am, parsley jana zaruri hai. Jo na wo tha conclusion mein can deep ka wo nahi samjha hai point. Can deep ka kya meaning hai? Jaate hain hum piche jaate hain, rukiye. Kya nahi samajh mein aaya abhi puchiye. फर्स्ट लाइन है मैम जिसने कैन रीप न्यूमरस एडवांटेजेस का मतलब है कि वो फायदा ले सकते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस का. ओके मैम. रीप मतलब फायदा लेना, न्यूमरस बहुत सारे एडवांटेजेस फायदे. मैम सीधा ग्रैब करना कुछ जी, ग्रैब जी 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 जी, वन एंड द सेम थिंग. यस, अजीत वर्मा सर आप कुछ पूछ रहे थे. यू वेलकम. क्या पूछ रहे थे आप? पार्शली मतलब अगर ये क्वेश्चन में है तो हम जा सकते हैं पार्शली वैसे, अगर क्योंकि पॉजिटिव वही मैं पूछ रहा था, कंफ्यूजन थे मतलब पार्शली में थोड़ी सी. कंफ्यूज मत होइए, अगर आप पार्शली नहीं लिखना चाहते तो उन्होंने सिंपल पूछा है, डू यू अग्री और डिसअग्री, तो आप एक भी लिख सकते हैं, या तो अग्रीमेंट लिख दीजिए या डिसअग्री लिख दीजिए. अगर मैं अग्री होता हूँ मैम तो BP1 BP2 में दोनों एग्रीज के पॉइंट. हाँ, अगर आप अग्री देंगे तो दोनों में एक देंगे. टू व्हाट एक्सटेंड लिखा है, दैट मींस यहाँ पर टू व्हाट एक्सटेंड लिखा है तो आप दोनों एक्सप्लेन करते हैं हमेशा ही. अगर सिंपल ये पूछा है डू यू अग्री, टू व्हाट एक्सटेंड वर्ड्स नहीं है अगर, ठीक है, सिर्फ ये पूछा है डू यू अग्री और डिसअग्री तो एक चीज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर टू व्हाट एक्सटेंड तीन वर्ड्स, ये वाले तीन वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आ गए तो आप दोनों चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. मैम अगर इसमें और लिखा है तब भी हम पार्शियली क्यों लिखेंगे, 70-30 क्यों लिखेंगे, अगर और है एंड हो और होता या व्हाट एक्सटेंड होता तब हम लिखते ना 70-30 और पार्शियली. टू व्हाट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री, और जो है दिस इज द हिंट, यही तो ट्रिक है उनकी. टू व्हाट एक्सटेंड भी लिख दिया, ठीक है, और भी लिख दिया. अगर सिंपल होता डू यू अग्री और डिसअग्री उसका मतलब है दोनों में से एक चुनो. टू व्हाट एक्सटेंड उन्होंने कह तो दिया, टू व्हाट एक्सटेंड दैट मींस आधा अग्री लिखो आधा डिसअग्री लिखो. मैम अगर हम एग्री होते हैं फिर भी मैम हम BP1 में एग्री क्यों लिखेंगे और BP2 में डिसएग्री के पॉइंट लिखेंगे. अगर आपको टू व्हाट एक्सटेंड आ गया तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको दोनों ही देने पड़े. ओके ओके. अगर ये एक्सटेंड नहीं आता है तो नहीं आता तो सीधा पूछा है डू यू अग्री, तो आप यस तो आप अग्री के दो पॉइंट बना सकते हैं, या आपकी मर्जी है. अगर आपसे सीधा पूछा है डू यू अग्री और डिसअग्री, आप डिसअग्री से जो है वो लिखना चाहते हैं तो दोनों डिसअग्री लिख दीजिए, ठीक है. सारी खेल जो है वो इन तीन वर्ड्स की है, टू व्हाट एक्सटेंड की, समझ रहे हैं आप. मैम ओके मैम. हां हां जी बोलिए मैम. जैसे आया है चिल्ड्रन ग्रुप कंट्री साइड और बिग सिटी, हम एक साइड जा सकते हैं कि दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे 50-50? कैसे मैम? जैसे आया है कंट्री साइड एरिया देन बिग सिटी, हम दोनों एक्सप्लेन करना जरूरी है? सिमरजीत जो स्टेटमेंट होती है ना उससे ज्यादा जो उसके नीचे वाली लाइन होती है ना जहाँ पर क्वेश्चन है वो पढ़ी जाती है, ठीक है. क्वेश्चन को पढ़िए,
वो क्या मांगते हैं आपसे, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप क्या है? तो जैसे हम पार्शली एग्री हो, दोनों साइड हो पार्शली, देन क्या दोनों को एक्सप्लेन करना है? तो हम दोनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, तो दोनों ही करेंगे हम. ओके जी. यस जशन, यू आर नॉट ऑडिबल, कैन यू स्पीक लाउडली प्लीज? यस मैम. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, उन्होंने मतलब एक्सटेंट पूछा है ना. तो लास्ट लाइन इज बोथ द पर्सपेक्टिव्स आर एलेबोरेटेड, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमारा ओपिनियन क्लियर है कि वी आर पार्शली एग्री, वी आर फुली एग्री और वी आर कंप्लीटली डिसएग्री. देखिए अगर मैं ये कहूँ कि मैं चंडीगढ़ गई थी, ठीक है, मैंने ये कहा, या मैंने ये कहा कि यार मैं जब चंडीगढ़ से आ रही थी ना, तब आते हुए मैंने ये जो है ये चीज खरीदी, तो इसका मतलब है मैं चंडीगढ़ गई थी. ओके ठीक है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट. अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप लिख सकते हैं आई पार्शियली एग्री, इट्स ओके, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. मैम इज इट कंपल्सरी टू राइट अ जनरल स्टेटमेंट इन राइटिंग टास्क? देखिए इट समहाउ इनहेंसेस द बैंड स्कोर्स, ठीक है, इट इज समहाउ, तो ये कैपेसिटी रखती है बैंड स्कोर्स जो है वो इंक्रीज करने की. हम इसमें एग्जांपल किस टाइप के इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल हमने जैसे मैम, हाँ हाँ मैम, किसी भी मतलब कि किसी भी टॉपिक में कोई भी एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं क्यों कर सकते, देखो रुको रुको मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, बाकी सभी म्यूट हो जाइए प्लीज. देखिए यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल दी है ना, उसके बाद यहाँ पर भी हमने एग्जांपल दी. दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. स्टेटमेंट लिखी है मैम, इसमें वर्ड लिमिट कंप्लीट हो रही है? होनी चाहिए मैम, इस ऐसे में वर्ड लिमिट कंप्लीट है 252 280 होनी चाहिए, मैंने ये काउंट नहीं किए मैम. आई थिंक इट इज अ स्मॉल एस्से. कोई बात नहीं, फिर आप ऐड कर लो उसमें क्या. सिंपल बात, दिस इज जस्ट अ सैंपल, ये सैंपल है, आपको ये लिख के थोड़ी ना आने है, आपको ये लिख के थोड़ी ना आना, आपको याद थोड़ी करना ये. हाँ जी मैम, हाँ जी, हाँ जी योगेश सर बोलिए. बट मैम एग्जांपल भी तो उसी चीज की देंगे ना जो हमने पहले इसको एक्सप्लेन किया, लाइक बिल्कुल 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 बिल्कुल. देखिए जब आपका एक बीपी है, कोई भी बॉडी पैराग्राफ है, उसको एक स्ट्रक्चर से हम डिस्क्राइब करते हैं. बाकी म्यूट हो जाइए, जिसने क्वेश्चन पूछा सिर्फ वही बंदा अनम्यूट रहे प्लीज. अभी क्या होता है योगेश सर, जब हम कोई भी बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम देखिए इंट्रोडक्शन जब कंप्लीट होती है वी मेक अ लिस्ट, राइट, लिस्ट के बाद हम उसमें से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स चुनते हैं और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अपने बॉडी पैराग्राफ में चेंज करते हैं. जब हम बॉडी पैराग्राफ को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम अपना पॉइंट बताते हैं फर्स्ट लाइन में कि ये मेरा पॉइंट है, पॉइंट है उसको एलैबोरेट के बाद, जी हम उसको एलैबोरेट करते हैं. तो दैट मींस जो हम एग्जांपल देंगे ना वो वही पॉइंट की ही एग्जांपल होगी. राइट मैम, राइट जी, दिस इज द स्ट्रक्चर. राइट, थैंक यू मैम. ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? आपने हैंड रेज किए हैं. जशन डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम, हां जी, आपकी वॉइस प्रॉपरली ऑडिबल नहीं है. हाँ हाँ मैम, अभी बेटर बेटर. हाँ जी बोलिए. ओके मैम, आई हैव प्रॉब्लम विद जनरल लाइन, आई डोंट नो हाउ टू राइट इट, एंड मोर ओवर दिस इज द पार्ट वेयर I'm just lagging behind. And moreover, there is another query. Mm-hmm. Like if there is a question where we have to discuss both views along with our opinion, after, ma'am, what type of structure we follow in that? Should we add conclusion after opinion, or I think it's sufficient to add opinion only? देखिए क्या है, ये सिर्फ आपकी query नहीं है, मेरे ख्याल से ये जितने जने attend कर रहे हैं उनमें से आधों की query होगी. देखिए ऐसी चीजें हैं ना जो ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से सभी के क्लियर हो जाएगा ये आइडिया. जब आपको किसी चीज के साथ डू यू अग्री और एंड और डिसअग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री, ऐसी चीजों के साथ आपका ओपिनियन मांगा जाए तो क्या किया जाए? सबसे पहले इसके तीन तरीके हैं करने के.
सबसे पहले आप अपनी थीसिस लाइन में ये एक्सप्लेन करेंगे कि इन माय ओपिनियन ये बात है और मैं दोनों प्रोस्पेक्टिव्स इलेबोरेट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है थीसिस लाइन में आप सिर्फ ये लिखेंगे कि बोथ द प्रोस्पेक्टिव्स अलोंग विद माय प्रोस्पेक्टिव आर इलेबोरेटेड, मतलब मैं अपना प्रोस्पेक्टिव भी एक्सप्लेन करूंगा या करूंगी और साथ में ये दोनों चीजें भी एक्सप्लेन करूंगी। जब हम ऐसा एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम बॉडी जिस चीज के साथ हम रिलेटेड हैं, चाहे वो बॉडी पैराग्राफ वन में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चाहे दो में सेकंड में, तो जब वो बॉडी पैराग्राफ खत्म होने वाला है तो उसकी लास्ट लाइन पे हम ये कहेंगे कि आई कंप्लीटली अग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। समझ गए आप? अलग बॉडी पैराग्राफ नहीं बनाना है। अगर आप उस पैराग्राफ को फर्स्ट बीपी में रखते हैं जिससे आप खुद अग्री करते हैं, उस बॉडी पैराग्राफ की लास्ट दो लाइंस में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग या मेरा जो प्रस्पेक्टिव है वह वही है जो इस बॉडी पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों को एक्सप्लेन कर दें, इंट्रोडक्शन में लिख दें कि मैं दोनों को इलेबोरेट करने वाली हूँ या करने वाला हूँ और मैं अपना ओपिनियन भी इस ऐसे में बताऊंगा या बताऊंगी। दोनों बॉडी पैराग्राफ लिख दिए हमने, ठीक है, अग्री भी कर दिया, डिसअग्री भी कर दिया। उसके बाद इन द लास्ट कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट वाला है या लेटर व्यू के साथ मैं खुद अग्री करता हूँ या करती हूँ। दीज आर द थ्री टाइप्स, और आप कह सकते हैं थ्री टाइप्स ऑफ आंसर्स जो आप इस तरह के ऐसे के लिए आप पिकअप कर सकते हैं। आप जिस चीज के लिए कंफर्टेबल हैं आप वैसा स्ट्रक्चर इसमें फॉलो कर सकते हैं। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूं कि पहले आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये लिखें कि बोथ द प्रस्पेक्टिव्स अलोंग विद माय ओपिनियन आर इलेबोरेटेड इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अग्री करती हूं और मैंने फर्स्ट बीपी में अग्रीमेंट ही लिखा है तो बीपी के लास्ट वाली जो दो लाइन्स हैं उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है, दैट मीन्स कि मैं भी कंप्लीटली अग्री करती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पीपी में मैं डिसएग्रीमेंट दे दूंगी। दिस इज हाउ आई पर्सनली फील मच मोर कंफर्टेबल। बाकी ये आपकी चॉइस है कि आप उसमें से तीनों फॉर्मेट्स में से कौन सा फॉर्मेट चुनते हैं, ठीक है? एक्चुअली मैम आई अपीयर्ड इन आईएसजीटी in that the question was about discuss both viewpoints and give your opinion. That structure I follow according to my consultant, according to my teacher. It was introduction, then BP1 agree, BP2 disagree, then BP3 is your my opinion. Yes, and BP4 will be the BP5 will be the conclusion, because introduction is the fourth one. Firstly introduction, then BP1, BP2, BP3 and BP4. Almost there are five passages. Is it wrong approach or right one? Okay. आप मुझे ये बताइए कि आपका words कितना चला गया? Word limit कितना चला गया? Ma'am, it was approximate 295. कितना चाहिए था? 250. जी. That means आपके पहले तो task achievement के marks कट गए. Okay. उसके बाद आपके word limit के marks कट गए. Okay. ठीक है. उसके बाद जितना हम लिखेंगे, देखो छोटी क्लासेस में कहा जाता है ना कि थोड़ा लिखो पर अच्छा लिखो, टीचर्स बोलती हैं ये, है ना? तो वो क्यों बोला जाता है कि जितना हम लिखेंगे उतनी हम गलतियां करेंगे, जितनी हम गलतियां करेंगे उतना ही जो है हमारे मार्क्स कम होंगे। अभी उन्होंने 250 वर्ड्स टू 270 वर्ड या 265 वर्ड्स मांगे हैं, हम जितना ज्यादा लिखी जाएंगे उतनी हमारी गलतियां निकाली जाएंगे वो लोग, जितनी गलतियां लिखेंगे उतने बैंक स्कोर्स नीचे आ जाएंगे, सिंपल सी बात। तो दोनों क्राइटेरियाज हमारे तो गलत हो जाएंगे ना ऐसे करने से। एक्चुअली मे बी यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। आई वांट टू नो। मैं समझ गई। पहली चीज आपकी मैंने ये एक्सप्लेन की है कि मेरी तरफ से अगर आप कहें तो ये गलत अप्रोच थी, क्योंकि उसका नीडेड नहीं था, दैट पैराग्राफ इज नॉट नीडेड। अगर हम अभी की बात करें ना, तो आपने अगर लिखा हो तो मैंने आपको यही कहूंगी कि इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि हमने सिर्फ ये बताना है, हमने कुछ अलग थोड़ी ना एक्सप्लेन करना है, हमने सिर्फ ये बताना है कि आप कौन सी साइड पे खड़े हैं। okay. तो ये तो एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, दो में भी लिखा जा सकता है और एक पैराग्राफ में भी लिखा जा सकता है। तो जो चीज हम दो लाइन में लिख सकते हैं वो हम एक पैराग्राफ में लिखें भी, पहले तो इतना लिखें, फिर
फिर उसके नंबर कटवाएं, हम क्यों लिखें भाई? एक्चुअली मैम, मतलब मेरा जो टीचर थे उन्होंने मतलब यही पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला था. और एक और आईएलटीएस इंस्टीट्यूट है, मे बी सबको उनके बारे में पता होगा, ब्रिल्स इंस्टीट्यूट. उन्होंने बोला कि जो आप ओपिनियन के लिए एक सेपरेट पैसेज बनाते हो और कंक्लूजन के लिए एक सेपरेट पैसेज बनाते हो, सो दैट इज रॉन्ग अप्रोच. आपका ओपिनियन और कंक्लूजन दैट मस्ट बी सेम. इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर राइट ओपिनियन, देन यू शुड जस्ट फॉलो द पैटर्न. You have right opinion. There is no need to write conclusion separately. Okay. अभी विजेशन देखिए, you are intelligent enough. अभी मुझे आप ये बताइए कि जब हम ऐसे लिखते हैं, हम उसके बाद conclusion क्यों लिखते हैं? Just to sum up what we have written. हाँ. तो क्या आपका opinion और sum up दोनों same चीज़ है? Ma'am, hopefully मतलब वही होता है, I think so, because at the end हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि although it has some advantages, but this is the main disadvantage, or however I am disagree just because of this reason. आप तो खुद ही confused हैं. देखिए, सबसे पहली चीज़ है conclusion. conclusion हम उस essay में भी लिखते हैं जिसमें हम अपना opinion नहीं देते हैं, है कि नहीं? है ये बात? Yes. जी. That means conclusion आपके opinion से अलग चीज है, ठीक है? Okay. जब आपका opinion मांगा है तो आपने अपना opinion दे दिया, लेकिन जो चीज important थी वो तो आपने लिखी नहीं. जी, तो that means वो गलत हो गया. देखिए, हर एक चीज, हर एक IELTS का जो टास्क है ना, चाहे वो राइटिंग टास्क वन है, चाहे टू है, चाहे वो एक रीडिंग का करने का तरीका है, जितने भी आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, हर एक का अलग होगा, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि ये एक हार्ड ट्रूथ है जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इट इज वेरी रेयर कि आपको ये कही जाए बात, लेकिन जितने ट्रेनर्स आप लोग सेंटर्स पे देखते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, 95% उनमें से ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनके खुद के भी 8777 है ही नहीं. दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट. तीसरी चीज ये है कि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है. उनके पास बैचेस हैं, उनके पास जो है वो जॉब है, लेकिन दे डू नॉट नो द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, और उनका आईडीपी ट्रेनिंग से, पियर्सन ट्रेनिंग से और बीसी ट्रेनिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? अभी होता क्या है, जो पियर्सन से, जैसे पीटीई है, पीटीई का हम पियर्सन से जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? हम जो है वो बीसी से ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है? हम आईडीपी वालों से ट्रेनिंग लेते हैं. उसका फायदा क्या है, यू विल बी अपडेटेड विद रियल फॉर्मेट्स एंड रियल काइंड ऑफ रूल्स which are actually altering day by day, ठीक है? और जब आप उनकी conferences attend करते हैं, अभी pandemic के कारण तो online सारी conferences हैं, ठीक है? जब आप conferences attend करते हैं, you will come to know कि जो real बाकी जो है वो mute हो जाइए please. You will come to know कि बाकी जो real examiners हैं, वो अपनी experiences share करते हैं उसमें, conferences और seminars जो हम लोग attend करते हैं उसमें. तो दे विल टेल यू, अगर आपको कभी मौका मिले तो दे विल टेल यू कि कौन कौन सी चीजें हैं दैट दे फील इरिटेटेड, कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है 90% कैंडिडेट्स वो चीजें लिखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या लिखना है. अब बेसिकली वो कैंडिडेट्स की गलती नहीं है, दैट इज द फॉल्ट ऑफ द ट्रेनर्स जो उनको ऐसा लिखवाते हैं. मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रही हूँ किसी पे, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर एक बंदे का अपना एक तरीका है करवाने का. लेकिन मुझे जितना पता है, मैंने जितना अटेंड किया है सब कुछ, या मेरा जितना पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जो बेस्ट था वो आपको बताया, राइट? मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहती, बट यस, अगर आप ये कहें कि ओपिनियन और कंक्लूजन सेम थिंग है, तो डेफिनेटली दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. कंक्लूजन अलग चीज है, जिसमें आपका ओपिनियन भी नहीं मांगा है वहां पर भी हम कंक्लूजन लिखते हैं. दैट मींस कंक्लूजन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. ओपिनियन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप कौन सी साइड पे हैं, आपका पर्सनली क्या व्यू पॉइंट है, क्या सोच है आपकी पर्सनल, वो एक अलग चीज है. दोनों में से कोई भी एक दूसरी चीज को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है? थैंक यू. और कुछ, किसी का कोई क्वेश्चन और क्वेरी?
एनीवन एल्स जिनका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी हो? मैम जी, यस मंत्री, आपके अकॉर्डिंग मतलब जो हम बीपीज बनाते हैं तो उनमें अप्रोक्सीमेटली कितनी लाइन में मतलब होना चाहिए, कितने वर्ड्स? देखिए मनप्रीत, एक्चुअली क्या है कि हर एक बंदा जो है ना उसका लिखने का एक तरीका है. दैट मीन्स कि एक लाइन में हो सकता है मैं 7 वर्ड्स लिखती हूँ, आप 11 वर्ड्स लिखते हो, कोई 8 भी लिखता है, कोई 9 भी लिखता है. कई लोग ज्यादा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो वो ज्यादा वर्ड्स जो है वो ग्रैब कर लेते हैं लाइन्स को. तो अगर हम सिंपली ये देखें कि एवरेज जो एक इंसान है वो 8 to 9 वर्ड्स लिखता है अपनी एक लाइन में, तो हम ये देखिए कि हम अगर वर्ड्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 75 to 85 जो है वो आपके 70 to 80 वर्ड्स जो है वो होने चाहिए. 75 to 80 वर्ड्स एक बीपी में होने चाहिए. ठीक है, दिस इज हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बीपी शुड बी. ठीक है, उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 50 वर्ड्स मैक्सिमम है इंट्रोडक्शन के, उसके बाद बीपीज आ जाते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 वर्ड्स और 40 वर्ड्स आपके कंक्लूजन के हैं. तो अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वही 250 to 270 वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, कई बार किसी बीपी में बढ़ भी जाते हैं, किसी बीपी में कम भी हो जाते हैं. दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन टू डिस्क्रिप्शन. हाँ जी सिमर जी, कहते हैं ना कि राइटिंग एग्जाम ही होता है, तब जितना शीट दी गई उतनी ही फिल कर, और शीट नहीं लेनी चाहिए, उसमें ही वर्ड पूरे आ जाते हैं, ऐसा होता है, उसमें ही वर्ड पूरे आ जाते हैं? सिमरजीत बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछी है आपने, मेरे से ना बहुत बड़े बारी ये स्टूडेंट्स पूछ चुके हैं इसका ना. बात सुनिए, जब आप 250 वर्ड्स लिखती हैं तो कई बारी रजिस्टर के आप 2 पेज भर देती है ना, तो आपके पास जो दूसरा इंसान बैठा है वो 1.25 पेज में कंप्लीट कर देता. देखा आपने क्लास में भी, अगर आप किसी के साथ बैठ के भी प्रैक्टिस करो तो वही चीज है बेटा. जो सेम चीज हैपेंड विद द आईएस शीट, कोई तो है वो जो कंसाइज लिखता है, तंग तंग लिखता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि खुला खुला नहीं लिखता है ना, जो खुला लिखता है उसको और शीट की जरूरत पड़ जाती है, जो तंग लिखता है थोड़ा सा ज्यादा स्पेस नहीं देता उसको, उसी में कंप्लीट हो जाता है. तो ये शीट लेना और नहीं लेना मैटर नहीं करता, अपने कितने वर्ड्स लिखे हैं सिर्फ वही मैटर करता है. ठीक है, जिनकी बट मीडियम हो राइटिंग उनके आ जाते हैं उसमें. मेरा खुद का जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा उसमें कंप्लीट हो गया. मैं ऐसे ही, वो फार्मूला होते हैं ना, टीचर बताते हैं ये फार्मूला ही है, और जिसकी मीडियम राइटिंग हो तो उसमें पूरा आ जाता है. नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है, इट्स ओके. अगर आप खुला लिखती हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप शीट ले सकती हैं, डजंट मैटर. उन्होंने आपके वर्ड्स गिनने हैं कि कितने हो गए. ओके जी, और कुछ किसी का और कोई क्वेश्चन? मैम स्पीकिंग का सेशन कब लगाएंगे? स्पीकिंग का सेशन आपका इवनिंग का होता है. आई डोंट नॉट नो कि आज है या नहीं है, बट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. अगर आपके नोटिफिकेशन आ जाती है तो आपका सेशन होगा. ओके, एक्चुअली स्पीकिंग इज नॉट इन माय ज्यूरिसडिक्शन. ओ जी, मेरी ज्यूरिसडिक्शन में स्पीकिंग नहीं देती हूं. यस ओके मैम. लिसनिंग के एमसीक्यूज की अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप एक ही चीज को दो दो तीन तीन बारी सुनेंगे. दिस इज द फैक्ट. आपने एक बारी लिसनिंग की, देखिए यूट्यूब पे ना हजारों लिसनिंग्स पड़ी हैं. एक फैक्ट बताती हूँ आपको, हजारों लिसनिंग्स है. आपको करना क्या है, आप जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है उसको खोलिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो मैप्स की प्रॉब्लम है किसी को एमसीक्यूज की है. बेस्ट वे बता रही हूँ आपको, आपको सारी की सारी लिसनिंग्स बार बार करने की जरूरत नहीं है. जो आपका ऑलरेडी सही है उस पर ओके चल रहा है काम, जो आपका वीक पॉइंट है उस पर हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे. करेंगे कैसे, हम जो है जो हमारा वीक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एमसीक्यूज वीक पॉइंट है, हम क्या करेंगे, बार बार हम वही वाला पार्ट जो है वो सुनेंगे. पहले हम पहले लिखेंगे फिर मिलाएंगे अपने आंसर्स. अगर फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से हमारे 5 सही हुए हैं, उसको दोबारा मिलाइए, सुनिए, फिर से करने की कोशिश कीजिए, जो आपके गलत है उनको दोबारा कीजिए.
कई बार पहली बार सुनने से हमें जो है वो सही पता नहीं चलता, जब हम दूसरी बारी पढ़ते सुनते हैं उस चीज को, देन हम निकालते जाते हैं ऑप्शंस की ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। दैट मीन्स जो लास्ट में बचती है दैट ऑप्शन इज योर आंसर। दैट मीन्स इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। MCQs में एलिमिनेशन टेक्निक्स जो है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सुटेबल होती हैं। जब आप तीन चार बार ऐसी प्रैक्टिसेस तीन चार पैराग्राफ्स की करेंगे, देन यू विल कम टू नो, तीन चार लिसनिंग्स की करेंगे, यू विल कम टू नो कि आपको समझ में आना शुरू हो गया। अलग अलग लिसनिंग्स को नहीं, एक ही हिस्से को तीन तीन चार चार बार सुनिए, दिस विल हेल्प यू। ठीक है मैम, MCQ प्लस मैचिंग। हाँ मैचिंग का भी ऐसे ही है। मैचिंग में प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मैचिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर तो हम नीचे वाले जो हमें दिए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा वर्ड है, सॉरी ऐसा मैचिंग आ जाता है जिसमें एक तो बुक्स के नाम है, एक वो बुक है जो वो किस चीज के साथ रिलेटेड है वो दिया है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक तो आप ये पढ़ते हैं कि ये किसने बुक का नाम कौन सा है, आप तो वहीं पर अटके होते हैं, उतने में आपको पता ही नहीं चलता कि ऑप्शंस उसने कौन कौन सी बोल दी। ठीक है, फिर उसके बाद जब तक आप लिखते हैं सुन लिया, हाँ, वो खत्म हो जाता है, वो सारा खत्म हो जाता है, आप तो फर्स्ट पे ढूंढते रह जाते हैं, वो सारी लिसनिंग बंद हो जाती है। ऐसा ही होता है सभी के साथ, ऐसा होता है। MCQ अगर एक बार समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद चाहे 10 बार सुन लो, कुछ समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। आएगा आएगा, कंसेंट्रेशन से सुनेंगे तो आएगा। साथ में टिक करते जाइए जो चीज आपको लगता है कि ये इस, देखिए कुछ जो वर्ड्स हैं दे वर्क एज अ टर्नर्स बोलते हैं उसको, टर्निंग पॉइंट होती है, जैसे ओह बट वट एवर, तीनों बोलता है। हाँ तीनों बोलता है, लेकिन उसमें से भी चुना हुआ होता है। आप दो बार तीन बार सुनेंगे ना, यू विल कम टू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। जब उन्होंने बोला है ना नो नो, तो उसका मतलब है कि आपके पास ये वो नो नो वाली ऑप्शन है ना, उस पर क्रॉस लगा दो। ऐसे ही वो अगर तीन ऑप्शन है उसमें से दो से वो अपने आप ही हट जाएगा, जो बच जाएगी वो ऑप्शन आपका आंसर है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर दो, हटाते जाओ बाकी ऑप्शंस को, जो बच गई वो आपका आंसर है। तो पहले प्रैक्टिस करके देखिए, वो भी बोलते हैं कि ओह आई एग्री विद यू, वो पता नहीं चलता कि किसके साथ एग्री हो रहा है वो। आप उसमें उसको साथ साथ में टिक नहीं करते, इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि कौन सी ऑप्शन चल रही है। ठीक है, अभी आप जो ऑप्शन उसने बोलते जा रहे हैं कि वो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, उसको क्रॉस करते जाओ, जिस जो बच गई उससे वो अग्री कर रहा है, दैट मींस वही वाला आपका आंसर है। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस करने पे होगा, वो प्रैक्टिस करने से ही होगा, लिसनिंग जो है उस वो प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर मैं आपको करवाऊंगी तो भी मुझे दो दो बारी प्ले करके ही करवाना पड़ेगा, दैट इज द वन एंड द सेम थिंग, वो आप खुद करें या मैं करवाऊं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप खुद करने की प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, करके देखिए। गॉड नोज आपका जो सही टेक्निक है वो सामने आ जाए, आपको जो कंफर्टेबल हो। हाँ जी बोलिए मैम, आपने जैसे बताया कि लिसनिंग को दूसरी बार फिर करें आपको पता चलेगा, मैं भी ऐसी करती हूँ। एक बार ठीक होते 24, फिर हो जाते 35, इतना स्कोर हो जाता है। मैम एग्जाम में तो लिसनिंग जब हम करेंगे एक बार ही करेंगे, ऐसा क्या होता है? एक सिमर जी, तभी आप हम एग्जाम वालों को थोड़ी ना कहेंगे कि दूसरी बारी भी कराओ। मैम वो नहीं बात करी, वो यहाँ तो एक बार ही देनी है। ऐसा क्या हो जाता है सेकंड टाइम स्कोर इतना होता है? वो ये हो जाता है कि हम पहली बारी जब लिसनिंग कर रहे हैं ना, तो करते करते हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम जो है वो अपनी तरफ से तो हम फुल कंसेंट्रेशन में बैठे हैं, लेकिन आसपास क्या हो रहा है, कभी हम ये देखने लग जाते हैं, कभी हमारा मोबाइल बीप कर जाता है बीच में, कभी जो है वो हम पेन हमारे हाथ में है लेकिन हम जो है मेंटली अपसेट हो जाते होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब सारा सेक्शन निकल गया या क्या बोल गया वो। तो ये चीजें जो है वो शो करती हैं लैक ऑफ कंसेंट्रेशन लेवल। सेकेंडली एक और पते की बात जो मैं एक्चुअली अपना खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या होता है कि जब आप लिसनिंग करते हैं ना, तो लिसनिंग जितनी ज्यादा सुनी जाए उतनी कम है।
एक्चुअली क्या होता है कि कहा जाता है कि आप जितनी ज्यादा इंग्लिश सुने ना उतना बेटर है. दैट मींस कि आप टेक टॉक सुनिए जी, आप म्यूजिक सुनिए जी इंग्लिश का, आप जो है वो डॉक्यूमेंट्री सुनिए, है ना, न्यूज सुनिए इंग्लिश में. देखिए मैंने वो सब करके देख लिया, जब मैं प्रैक्टिस करती थी खुद का टेस्ट मैंने दिया तो मैंने वो सब करके देखा, लेकिन जब मैंने उसके बाद भी प्रैक्टिस की मेरा स्कोर जो था वो 35 पे अटक जाता था, 35, 36 फिर 35, 36. आई वॉज गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे तो लगता था कि मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे. उसके बाद मैंने ये सोचा कि इतना सब कुछ सुनने की बजाय अगर मैं सिर्फ लिसनिंग ही सुनूं, दैट मीन्स सिर्फ टेस्ट ही सुनूं यूट्यूब पे और कुछ सुनूं ही नहीं, तो शायद ये जो है वो वर्क कर जाए. एंड इट वर्क. मेरा हाल ये था, दिस इज अ वेरी फनी थिंग, कि मेरा हाल ये था कि टेस्ट देने से पहले अगर मैं खा रही होती थी तो भी मैं लिसनिंग सुन रही होती थी, मेरे कानों में हेडफोन लगे हैं फोन पे एंड आई वॉज लिसनिंग टू द ऑडियो. ठीक है, व्हेन व्हाइल आई वॉज ड्राइविंग और आई वॉज ट्रैवलिंग मेरे कानों में सिर्फ लिसनिंग बज रही होती थी. हुआ क्या इस चीज से कि आई गॉट सो हैप्चुअल, मतलब मुझे इतनी आदत हो गई लिसनिंग सुनने की कि मेरे से आंसर्स जो थे वो स्किप हो जाते थे, वो होने बंद हो गए. एंड दैट इज द रीजन आई गॉट 9 out of 9 बैंड्स इन लिसनिंग. तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सके तो लिसनिंग को ही सुनिए, बाकी चीजें सुनने के बजाय लिसनिंग को ही सुनिए. आपको पता चलने लग जाएगा कि जो आप सुन रहे हैं वो अमेरिकन एक्सेंट है, वो कैनेडियन एक्सेंट है किसी चीज का, वो जो चीज बोल रहे हैं. कई बार क्या होता है कि इतनी जल्दी से बोल जाते हैं या उनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी डिफरेंट होती है कि जो आपने यूजुअली लिसनिंग में नहीं सुनी होती है, ठीक है, उस टाइम पे आप स्ट्रक हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कब वो बोल के चुप हो गया. ठीक है, तो जब आप अलग अलग तरह की लिसनिंग रोज सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग इन चीजों के लिए एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी लिसनिंग स्किल्स डेफिनेटली हेल्प होंगी, ठीक है, बढ़ेंगी, बूस्ट होंगी. ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मनीषा बोलिए. मैम जैसे आपने पहले बताया कि जो ओपिनियन बेस्ड ऐसे होते हैं उसमें हमें बीपी के साथ ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए अपना ओपिनियन, तो जैसे फर्स्ट पीपी के साथ मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, तो फिर कंक्लूजन में मुझे जस्ट वो उसका ऐसे का कंक्लूजन ही लिखना है, कुछ अपने और से कुछ अपना आइडिया, वो उसकी जरूरत नहीं है? जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप इंट्रोडक्शन में भी लिख चुकी हैं कि मैंने दोनों एक्सप्लेन किए हैं और अपना ओपिनियन भी बताया है, बीपी में भी लिख दिया, तो उसकी जरूरत तो नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी आपका अगर मन नहीं मान रहा तो आप लिख सकती हैं एक लाइन. गलत हो जाता है, गलत चल जाते हैं और जो एक हेडिंग्स दी होती हैं उनको इनके साथ एनालिस्ट. देखो मैप्स का तो ना एक बहुत इजी सा मेथड है जो मैं आपको बताने वाली हूँ. देखो मैप जो है वो जैसे चल रहा है, जैसे कॉपी में आप मैप बनाते हैं ना, रुकिए मैं आपको ना डायग्राम बना के समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, देखो जैसे ना ये आपका मैप है, ठीक है, यहां पर कोई चीजें चल रही हैं, यहां से जो इंसान है वो एंटर किया इस पॉइंट से, ठीक, इस पॉइंट से जब हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि ही गोज स्ट्रेट एंड आफ्टर दैट ही टर्न टुवर्ड्स द राइट साइड. अभी जो आप राइट का मतलब है दैट मीन्स आपकी राइट और आपकी लेफ्ट, जो आपको दिख रहा है ना उसका ही लेफ्ट और उसका ही राइट. जब वो राइट को मुड़ गया देन ही Move towards his left. That means यहाँ पे आपको करना क्या है, आपकी कॉपी जो है वो ऐसे पड़ी है, ठीक है, उसके बाद जब आप जिधर को जाएंगे ना, इधर को गए आप, इधर को अपनी कॉपी घुमा लीजिए, that means ये आपको सीधा दिखे, समझ में आ रही है बात? आपको ये सीधा दिखना चाहिए. जब आप ये सीधा देख रहे हैं तो यहाँ पर बंदा खड़ा है, ये इंसान खड़ा है, इसकी लेफ्ट कौन सी हो गई, इधर वाली, इसकी राइट हो गई, इधर वाली, यहाँ पर पहुंच गया, लेफ्ट में मुड़ा, सामने जो है वो एक कैफे है, द आंसर इज योर कैफे.
दिस इज द बेस्ट टेक्निक कि जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी को घुमाते जाइए. जैसे जैसे आप अपनी कॉपी को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीजें इजी होती रहेंगी एंड यू विल कम टू नो द रियल डायरेक्शंस. अगर आप सीधा देख के ही काम करने की कोशिश करेंगी तो आपका होगा ही नहीं. आप देखिए, आप यहाँ पर गए, आप उसके बाद वो बंदा था जो वो अपनी राइट में मुड़ गया, उसके बाद अपनी लेफ्ट में, आप यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर को घूमू या इधर को घूमू. यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है. अभी आंसर ये नहीं पता कि यहाँ पर वाला है या ये वाला है, राइट? सो इट इज इजी कि आप अपनी कॉपी को घुमाइए, ऐसे सीधे हो जाइए, उधर वाली लेफ्ट और इधर वाली राइट, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू. ठीक है, ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा, इट विल हेल्प. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टेक्निक. ओके, सो दिस इज द एंड लिस्ट होती है वो मतलब मैचिंग जैसे हेडिंग ही टाइप हो जाता है एंड लिस्ट करा होता है उन्होंने इनको नीचे वाली ऑप्शन से मतलब आप हमने फिल करना होता है एबीसी उन्होंने दिया होता है वो भी मैम समटाइम्स होता है जैसे यस नो वाला होता है भी उसको मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दी है उसको लिस्ट और इसका उसने जिक्र ही नहीं कहा ये चीज नहीं नेसेसरी वो चीज में भी समटाइम पता ही चलता वो सारी ऑप्शंस कवर कर जाते हैं. कोई बात नहीं, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे. एक मैसेज आया है राजबीर की, जो हम लोगों ने पॉइंट्स दिखाए थे वो आप प्लीज मुझे दिखा दीजिए. सॉरी, वो सारे क्लियर हो जाते हैं साथ के साथ. ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि मैं आपको बाद में दिखा पाऊं, लेकिन आपसे एक एडवाइस है आपके लिए. जब अगर आप में से कोई भी वो पॉइंट्स लेना चाहता है ना, तो आप स्क्रीनशॉट तभी ले लीजिए जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं. आफ्टर दैट आई क्लियर इट आउट तो मुझे वो नहीं हो पाते मेरे पास. ठीक है, चलिए, दिस इज द लेट वो किया था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. चलिए, सो नो प्रॉब्लम. सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेस सेशन. एवरीवन हैव अ गुड डे, टेक केयर. ओके.